नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। तो आज मैं परफॉर्म करूंगा राम मूर्ति दंड और बैठक कुंभक के साथ। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मेरा टाइम नीचे ना जाए, अप ही रहे। तो दोस्तों, मेरा प्रयास है कि 10 मिनट के अंदर मैं जो है 3 दंड और 3 बैठक लगा सकूं, और टाइम रहेगा 1 मिनट से ज़्यादा। तो कुंभक के साथ करूँगा, तो बाद में बताऊँगा कि किस तरह आप अपना टाइम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो मैं परफॉर्म करता हूँ, चलिए। दोस्तों, आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैं किस प्रकार राम मूर्ति बैठक परफॉर्म कर रहा हूं। तो इसमें मैंने गहरा सांस भरा है और धीरे धीरे अपने शरीर को टाइट रखते हुए नीचे आ रहा हूं, और उसी प्रकार ऊपर भी जाना है। तो दोस्तों, यह बहुत ही कारगर विधि है अपने शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए। दोस्तों, राम मूर्ति दंड और बैठक का एक और नया तरीका आपको YouTube पर देखने को मिलेगा, जिसे आजकल लोग पफसी के नाम से जान रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि अगर ये राम मूर्ति दंड है तो इसे पफसी नाम क्यों दिया जा रहा है, और अगर कोई इसका वीडियो बना के अपने YouTube चैनल पर अपलोड करे तो इसके चेले और बोलेंगे कि हमारे गुरुदेव जी की परमिशन ली जाए और जो आप कर रहे हो गलत है। तो उसके बाद ये बोलेंगे कि हमारे गुरुदेव का नाम भी ऐड करिए कि आपने उनकी परमिशन से ये कार्य किया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये राम मूर्ति दंड बैठक का प्रचार कर रहे हैं या खुद का, और इनके किसी भी वीडियो में आपने कभी नहीं सुना होगा कि जय श्री राम, हरे कृष्णा, ये सब आपको सिर्फ मिलेंगे ओम सत्यम सिदाय नमः। ये मतलब अपना ही प्रचार करने में और अपनी ही जय जयकार करने में लगे हुए हैं। सतेंद्र महाराज और उनके चेले अपने पप्सी दंड को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, और वे कहते हैं जो रामदेव और आर्य द्वारा किया जा रहा है वह दंड बैठक बिल्कुल गलत है, वह राम मूर्ति नहीं है, बल्कि राम मूर्ति हमारा पप्सी दंड बैठक है। दोस्तों, आपको बिल्कुल भी भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने दोनों के ही वीडियो डाल रखे हैं, और ये अभी कुंभक के साथ मैं आर्यों द्वारा किया गया राम मूर्ति दंड बैठक डाल रहा हूँ। परंतु जिन्हें अपने देश धर्म से ज़्यादा प्रिय अपना अहंकार और शौहरत हो, उनका मैं सर्वथा त्याग करता हूँ। जय आर्य, जय श्री राम। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पप्सी योग फाउंडर की और उनके चेलों की। दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि जो मैं बोल रहा था वह सत्य बोल रहा था। व्हाट्सएप पर भी बात हुई थी, बट वो मैसेज गलती से डिलीट हो गए। दोस्तों, शुरुआत में मैंने बोला था कि मेरा प्रयास रहेगा कि मैं 1 मिनट से ज़्यादा कुंभक लगा के दंड बैठक कर सकूं, बट बैठक का टाइम 50 सेकेंड तक ही सीमित रह गया, क्योंकि इससे पहले मैं 7-8 किलोमीटर तेज़ी से वॉक करके आया था, तो फेफड़ों को जो थकान थी उसके कारण मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका। परंतु आप आगे देखेंगे जो मैंने दंड लगाया है वे सभी 1 मिनट से ज़्यादा है। तो दोस्तों, मेरा प्रयास जारी रहेगा, और जो अपनी प्राचीन पद्धति है और अपनी संस्कृति, उसका मैं हमेशा प्रचार करूँगा। तो गर्मी ज़्यादा है तो आप शीतली प्राणायाम भी करें साथ साथ में, जीभ को तालू पे लगा के फिर दांत पैसे करके सांस लेना है, ठीक है, मुंह से। अब हम करेंगे बैठक, तो हो चुकी है, दंड करेंगे। ओके, तो दोस्तों, मैं आपको अभी बिल्कुल क्लियरली अंतर बताऊंगा कि पप्सी जो दंड है और ये वाले जो आर्य रामदेव जी करते हैं उनमें क्या अंतर है। तो दोस्तों, इस पोजीशन में जो मैंने अभी ले रखी है पर्वत आसन, इसमें आप अपने फेफड़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन भर सकते हैं, जबकि पप्सी दंड में आप सीधा जो बिल्कुल पैरेलल टू ग्राउंड है उसमें इतनी ऑक्सीजन अपने फेफड़ों में समा नहीं सकते।
और इसमें भी आपको धीरे धीरे कुंभक के साथ नीचे आना है और सेम उसमें भी आना होता है, पर इसमें जो आपके जो पंजे हैं वह बहुत ज़्यादा बलिष्ठ बनेंगे और कंधों पर भी बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, तो ये उसके मुकाबले और ज़्यादा स्ट्रांग बनेंगे। और जो पोजीशन है उस पक्षी दंड में क्या होता है, जब आप बिल्कुल आपके हाथ पेट के बगल में होते हैं और जैसे ये देख रहे हो आप, आपकी बॉडी आगे को होती है, तो सेम वो पोजीशन इस दंड में भी आती है। तो आप चाहे तो सेम पोजीशन में आप होल्ड कर सकते हैं और आपको पक्षी दंड का जो बेनिफिट है वो इस दंड में भी आपको मिलेगा, बल्कि उससे ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। और इससे आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वही लचीली होगी और धीरे धीरे इसमें भी आपको ऊपर उठना है। बहुत ज़्यादा फोर्स लगती है दोस्तों कुंभक के साथ। और वैसे मेरा टाइम बिना कुंभक के 3 मिनट से ऊपर का है, तो आप वो मेरे चैनल पे जो वीडियोस है उसको चेक करके आप देख सकते हैं। दोस्तों आपको मेरे वीडियो कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करिए, और जो सत्य है वो मैं बेझिझक बोलता हूँ, बिना किसी के डरे बोलता हूँ, क्योंकि मैं अपनी संस्कृति अपने धर्म के खिलाफ कुछ भी सह नहीं सकता। हमारा धर्म यही सिखाता है वासुदेव कुटुंबकम, हम दूसरों के धर्म का सम्मान करते हैं और हम दूसरों से यही अपेक्षा करते हैं कि वे भी हमारे धर्म संस्कृति का सम्मान करें, और हमारा प्रयास तो यही है, हमारी संस्कृति का प्रयास यही है कि सभी दुनिया में स्वस्थ रहे, सुख शांति से रहें, कभी किसी को कोई दुख ना आए। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाव भवेत्। ओम शांति 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 ओम। दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया था कि आपको किस प्रकार अपना जो कुंभक का समय है कैसे बढ़ाना है, तो दोस्तों उसके लिए आपको त्रिबंध युक्त प्राणायाम करना पड़ेगा। आंतरिक कुंभक और बाहरी कुंभक दोनों करिए, तो उनका रेशो रहेगा 1:2, यानी अगर आप पूरा सांस लेके 1 मिनट रोक रहे हैं तो उसका आधा यानी 30 सेकेंड आपको पूरा सांस छोड़कर अंदर रोकना है। और त्रिबंध युक्त प्राणायाम का भी मैंने वीडियो बना रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उस लिंक से जाके आप देख सकते हैं तो किस प्रकार आपको त्रिबंध युक्त प्राणायाम करना है। तो दोस्तों उसको आपको 10-12 नहीं करना है, आपको सिर्फ एक दिन में 3 से 4 करना है, और सबसे अच्छा रहेगा कि आप उसे ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 बजे करिए, तो आपको बहुत लाभ होगा। और उसके बाद आप जो यह दंड बैठक है करेंगे तो आपके फेफड़ों में बहुत ताकत आएगी और उनके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर रहेगी और आप आराम से इसको परफॉर्म कर पाओगे। तो दोस्तों मेरा तो एक टारगेट है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, बट आप बीच में थोड़ा गैप रखना क्योंकि मुझे 10 मिनट से पहले ख़त्म करना है। चलिए दोस्तों बहुत जल्द आपको मेरे दंड बैठक 2 मिनट से ज़्यादा कुंभक के साथ मिलेंगे, तो मेरा प्रयास यही है कि मैं इसका अधिक से अधिक लाभ लूं और इसकी पूरी जानकारी आप लोगों के साथ साझा करूं, ताकि आप लोग भी इसका लाभ ले सकें, स्वस्थ रहें और मजबूत रहें और देश की सेवा, समाज की सेवा और धर्म की सेवा करते रहिए। नमस्कार, जय श्री राम। देखते रहिए, मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और कोई भी जानकारी चाहिए आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री राम। तो 10 मिनट के अंदर
तीन दंड तीन बैठक कुंभक के साथ। जय श्री राम।